दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं WhatsApp पर जो नई अपडेट आई है अवतार फीचर्स के बारे में उसी के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। उसी के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा कि अवतार अपडेट है क्या और इस पर आप अपना खुद का ओन क्रिएटेड कैसे यहां पर बना सकते हैं, एक लोगो टाइप का जैसे कोई भी आप यहाँ पे भेजते हैं उस तरीके से यहाँ पे फनी इमेज टाइप का खुद का कैसे अवतार बना सकते हैं आज के इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट लगा के यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप सभी को अकाउंट्स के नीचे अवतार का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आपको मिल गया तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिख के आएगा क्रिएट योर ओन, यानी क्रिएट योर अवतार यहाँ आ गया। ये फीचर आपको मिल चुका है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अवतार का फीचर है क्या, तो अगर आप स्नैपचैट या फिर व्हाट्सएप से पहले स्नैपचैट या इंस्टाग्राम चलाते थे तो ये फीचर पहले भी आ चुका है इन प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल अगर व्हाट्सएप पे आया है तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट योर अवतार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग अवतार लेने लगेगा। यहाँ पर आप खुद का यहाँ पे इमोजी बना सकते हैं, खुद का क्रिएट किया हुआ अवतार बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप सभी को कुछ डिटेल्स लिख के आएंगे, लेकिन आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा चूज स्किन टोन फॉर योर अवतार, यानी कि अपने अवतार के लिए कौन सी स्किन चाहते हैं। तो ये वाली स्किन मुझे चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप सभी से हेयर स्टाइल वगैरह पूछी जाती है, तो आप यहाँ पे हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने ये एक लोगो जो है वो दिख के आएगा, मतलब जो आदमी है वो इस तरीके से आप दिखाएगा। आपको खुद पर्सनल डिजाइन करना है तो यहाँ पे जो है आप सभी को डिजाइन करना है पर्सनल। तो यहाँ पे कौन सा, मुझे ये वाला लुक जो है काफी पसंद आ रहा है इसका हेयर स्टाइल, क्योंकि मैं भी इसी तरीके की हेयर स्टाइल करता हूँ तो ये मुझे पसंद आया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हेयर कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं कि हेयर कलर आपको कौन से चाहिए। तो यहाँ पे हेयर कलर वगैरह अगर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हेयर कलर जो अगर आप रेड सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए रेड आ गया। फिलहाल मुझे हेयर कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे मुझे ब्लैक जो है ये थोड़ा हल्का सा सुनहरे रखते हैं, तो ये वाला नहीं, ये कुछ ज़्यादा हल्का हो गया तो फिलहाल ये वाला रखते हैं, नहीं ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक में यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। तो ये ब्लैक रखते हैं, डन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आप और भी कई सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो है ये अपडेटेड हो गया। फिलहाल मैं इसको जो है क्लिक करके अभी मैं इसको जो है लोडिंग अवतार क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पूरी एडिटिंग मैंने नहीं की है। तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आउटफिट पर क्लिक करेंगे, ये बॉडी पर, बॉडी पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लिख के आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखेंगे कि बॉडी में आपको कैसे चाहिए, बॉडी कैसी चाहिए, मतलब ये जो पोजीशन है ये कैसी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये वाली पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन लग रही। फिर उसके बाद बॉडी के बाद जो है यहाँ पर अगर मूछे ऊँछे लगानी है, फेशियल हेयर किस तरीके से चाहिए, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे जो है ये वाली लुक जो है काफ़ी पसंद आ रही है, तो इस तरीके से, या फिर ऐसे चिकनाई रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फेशियल हेयर के बाद ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लिप कलर वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए लिप कलर कैसे चाहिए, तो यहाँ पर ये मैं लिप कलर ऐसे रख लेता हूँ। फिर उसके बाद नोज वगैरह कैसे चाहिए, तो यहाँ पे जो मतलब ओन क्रिएटेड है मैं फुल आप सभी को दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए किस तरीके से चाहिए, तो ये वाली मुझे अच्छी लग रही है तो इस तरीके से चाहिए। और यहाँ पे जो है नॉइस कैसे चाहिए, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मुझे चाहिए, इस तरीके से सिंपली चाहिए। तो और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आइज कलर कैसा चाहिए, तो यहाँ पर आइज कलर जो है नो कलर आइज फिलहाल नहीं है। ईयर वियर में कैसा चाहिए, तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये सनग्लासेस वगैरह अगर लगाना है तो मुझे ये वाला कूल लग रहा है, ये वाला कूल लग रहा है, तो ये स्टाइलिश मैं सनग्लासेस लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आई मेकअप अगर लगाना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हेयर स्टाइल मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि हेयर स्टाइल किस तरीके से चाहिए, तो इसके बावजूद अगर कोई हेयर स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये वाली पसंद है तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से इतना सेलेक्ट करने के बाद हेयर कलर हो गया, फिर उसके बाद ये आपको फ्री शेप वगैरह फेस शेप जो है फेस शेप कैसा चाहिए तो मुझे ये फेस शेप चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ये अगर जो भी आप यहाँ से बनाएंगे फेस मार्किंग कैसी चाहिए तो यहाँ पे मुझे फेस मार्किंग जो है ये वाली चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप बनाते हैं तो ये खुद का आपका ओन बनाया हुआ दिखेगा और इस तरीके से चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आप सभी को थोड़ा सा और आगे ले जाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे आई शेप वगैरह में, तो आई शेप भी देख लीजिए किस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आई कलर आ जाएगा, आई मेकअप हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आईब्रो वगैरह आ जाएंगे तो यहाँ पे आईब्रो में क्लिक कीजिए और ये आईब्रो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईब्रो के आगे ये आईब्रो कलर में आ जाएंगे तो ये आईब्रो कलर कौन सा चाहिए तो यहाँ पे मैं डार्क यही रहने देता हूँ ब्लैक। फिर उसके बाद दोस्तों बिंदी तो मेंस का है तो बिंदी लगाने नहीं है। ये आई वियर में मैंने पहना ही दिया है, चश्मा पहना दिया। फिलहाल मैं चश्मा हटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी कूल नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद नोज मैंने बता ही दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आप सभी को यहाँ पे होठ के कलर बता ही दिया है। लिपस्टिक अगर आपको लिप कलर लगाना है तो लिप कलर भी मैंने आप सभी को बता दिया, तो डार्क रेड जैसे लगा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक भी काफ़ी। अगर मान लीजिए फेसियर हेयर तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए तो फिलहाल नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ पे फेसियल हेयर कलर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे बॉडी में तो बॉडी कैसी चाहिए तो यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बॉडी कूल ये लग रही है। फिर उसके बाद बॉडी के बाद आउटफिट पे आ जाएंगे तो आउटफिट किस तरीके से चाहिए तो यहाँ पे आउटफिट भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आउटफिट मिल जाते हैं तो आपको जो पसंद आएगा तो वो आप अपने हिसाब से आउटफिट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों आउटफिट ये वाला मैं सिंपल रहने देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हेड वियर, तो हेड में अगर कुछ आप सभी को पहनाना है तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेड वियर में यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं सेलेक्ट करता हूँ, यही रहने देते हैं। और फिलहाल ये जो पहले मैंने आउटफिट सेलेक्ट कर लिया ये थोड़ा आउटफिट मुझे जम नहीं रहा तो ये आउटफिट जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो ये फिलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला आउटफिट काफ़ी अच्छा है, ये इंडियन स्टाइल में काफ़ी अच्छा है। हेड वियर के बाद यहाँ पे अगर ईयर कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये लेडीजों के लिए, तो यहाँ पे नहीं चाहिए हेयर डिवाइस मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ये इसमें नहीं चाहिए। उसके बाद आगे करेंगे तो ये सारा कुछ जो है लगभग जो है डन हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे बनाना अच्छा लगा। डन पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ खुद का बनाया हुआ अवतार जो है रेडी हो गया। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप अवतार जो है ये खुद का बना सकते हैं। इस तरीके से आपने बनाया अवतार और भी कुछ चेंजेस करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्राउज स्टिकर पे आप आएंगे, यहाँ पे क्रिएट योर ओन प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट योर प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे क्रिएट योर ओन प्रोफाइल तो यहाँ पे आप सभी को अवतार का ये ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अवतार ये जैसे मान लीजिए क्लिक करेंगे, ये देखिए खुद के अवतार आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड अगर कुछ लगाना चाहते हैं देखिए बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से मुझे ये बैकग्राउंड लगाना है तो इतना कर लिया आपने। यहाँ पे बहुत सारे ये देखिए ऑप्शन जो है वो आपको ये देखिए मिलते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन मुझे जो है कौन सा ऑप्शन मुझे पहले लग रहा था, यही वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है तो ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, अपडेटिंग योर प्रोफाइल, ये अपडेट हो गई प्रोफाइल। और ब्राउज स्टिकर पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आपने जो अभी अवतार बनाया है, जो आपने अवतार बनाया यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अवतार आपके सामने ये देखिए बने हुए हैं। इन अवतार को आप ये देखिए बहुत सारे अवतार यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस अवतार का जो है फीचर का फायदा उठा सकते हैं। अगर अवतार डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट भी अवतार कर सकते हैं। तो काफी अमेजिंग अवतार मैंने आप सभी को यहाँ पे बना के दिखा दिया है। यहाँ पे बैक कर लेंगे और ये देखिए खुद की प्रोफाइल पर आपका ये अवतार फीचर जो है अब फीचर हो गया। तो इस प्रकार अवतार के बारे में मैंने सारी डिटेल्स आप सभी को बता दी हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।